हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए, जैसे आपने टॉपिक पढ़ा है कि उन्हें आप में क्या पसंद है। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन कुछ ऐसी रीडिंग्स होती है ना, कुछ बातें ऐसी होती है कि हमें अपने आप को जानने का मौका देती है। अपनी हम कुछ अपनी अच्छाइयाँ, अपनी क्वालिटीज़ जो भूल चुके थे इनको याद दिलाती हैं। तो कहीं पे हम कुछ गलती करते बैठे थे अनजाने में ही सही, तो वो चीज़ हमें याद दिलाती है। तो क्या बिगड़ा था, क्यों बिगड़ा था, एक गलत नज़र इसने एक पॉजिटिव वैसे हम देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था और इतना खूबसूरत रिश्ता, यू नो, आप में उन्हें क्या पसंद है वो जानने की कोशिश। क्योंकि रीडिंग जो भी होती है, मेरा तो इनडायरेक्ट इंटेंशन आपकी हीलिंग है। वो चीज़ मेरे लिए बहुत, मतलब मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो आपको हीलिंग एनर्जी सेंड करने की कोशिश करती हूँ कि जो भी यूनिवर्स आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है, जो भी रिक्वेस्ट है, यूनिवर्स बस मान जाए और आपकी लाइफ में जो भी आपका सुकून, न्याय और जो भी एक खुशियाँ है वो वापस आ जाए। तो लेट्स सी कि रिंग क्या कहती है। थैंक यू मिस, हायर पावर बॉटम ऑफ डेक है। मैं यहाँ से भी निकालूंगी कार्ड्स। मैं एक्चुअली ना ये जब रीडिंग स्टार्ट की थी, मतलब तो मेडिटेशंस कर रही थी वो क्वेश्चन के ऊपर, तो जब सवाल पूछते ना कि आप में उन्हें क्या पसंद है, तो जस्ट वो निकला ना एक इंट्यूशनली, क्या बोलते हैं, साइकिकली, आपका प्यार करना, सबसे ज़्यादा आपका प्यार करना। और वो यहाँ पे पहला ही टारो में कार्ड आ गया, तो मुझे हंसी आ रही है क्योंकि यूनिवर्स लिटरली ऐसे, मतलब इतना क्लियर आंसर्स देती है ना कभी कभी कुछ चीज़ों का कि बता नहीं सकते। थैंक यू यूनिवर्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ रोड्स और जस्टिस, द मैजिशियन। ओके, और यहाँ पे है बॉटम डेक है द टावर। ओके, टावर देख के डरिए मत, देखते हैं हम कि आपको आपको नहीं, उन्हें आपने क्या पसंद है। ओके, तो जो मैंने कहा ना कि अभी कि मुझे ना एक वो चीज़ सुनाई दे रही थी कि द लवर्स को वो फील हो रहा है कि ये इनको ना बहुत पसंद है प्यार करना। आपके जैसा प्यार करने वाला ना कभी देखा था और ना ही कभी देख पा रहे हैं। कोशिश की बट अभी नहीं हो पाया। पहले तो वो जब भी एक्चुअली मिले भी थे ना एक शुरू में, तभी भी उनको कुछ हद तक ना उनको एक फील होता था कि ये इंसान इसी दुनिया का है क्या, इसी दुनिया का है क्या, मतलब जिस तरह से है, तो वो खास करके जिस तरह से आप प्यार करते हैं तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा, लाइक ना जितना टूट के प्यार करते हैं, जितना दिल से प्यार करते हैं, जितना एक क्या कहते हैं, एकदम इनोसेंट, वो चीज़ जो है ना, कि वो लिटरली उनको ना
क्या बोलते हैं, शॉक में डालती है, सरप्राइज में डालती है, अचंभे में डालती है कि ये इसी दुनिया का इंसान है क्या सच में. कुछ लोग के लिटरली ऐसा मुझे फील होता है. तो उन्हें पसंद है आपका प्यार करना, आपका अपने आप को निहारना. आप जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आपके कपड़े हो, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, लाइक नो आपके ड्रेसिंग स्टाइल हो, आपको जिस तरह से भी आप कैरी करते हैं ना खुद को, भले आप कैसे भी फाइनेंशियल कंडीशंस हो या दिखते कैसे हो, लाइक जैसे लोगों को लगता है ना जैसे जस्ट ऐसी टाइप की खूबसूरती होती है वैसे टाइप की नहीं, जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो ना वो उनको बहुत ज़्यादा, लेकिन आपकी सादगी मुझे समाव एक फील हो रही है, आपकी जो सादगी है ना वो उन्हें बहुत पसंद आती है. दूसरा चीज़ है ना, सबसे बड़ा लगता है कि आप में ना अजीब सी एक पावर है, अजीब सी पावर, एक जादू है आप में, एक जादू है, और वो जादू ना अजीब है लाइक, लेकिन वो पॉजिटिव जादू है. यस, ये जादू पॉजिटिव जादू है. वो पहली बार भी देखा था ना आपको तो भी शायद आप लोग की ये टाइप की बातें ना हो, बट समाव एक जिस तरह से आप बात कर रहे थे, जिस तरह से आपकी एनर्जी थी, एक चुलबुली सी, इनोसेंट सी, या फिर एकदम शांत भी है ना, तभी उस एक ऑरा में, उस एनर्जी में एक बात थी ना, वो उन्हें बहुत पसंद है और अभी भी है, चाहे जो भी हो बट अभी भी है, क्योंकि वो मानते हैं कि ये ऐसी चीज़ है ना जो भले रिश्ता खराब हुआ हो, रिश्ता सेपरेट हुआ हो, कांटेक्ट में नहीं हो, जो भी हो, बट ये जो चीज़ है ना आप में वो बहुत यूनिक है. और ये चीज़ उन्होंने कभी किसी के साथ नहीं देखी है, लिटरली नहीं देखी है, कि आपका जितना एनर्जेटिक है, आप सेलिब्रेशन में जैसे कोई भी पार्टीज फंक्शंस में जिस तरह से आप तैयार होते हो तो एक अलग ही शाइन करते हो, वो चीज़ है. दूसरा चीज़ है कि आपको झूठ पसंद नहीं. इसी बात पे लिटरली आप लोग के बीच में ना बहुत ज़्यादा दरार है. आप इसी बात पे शायद ना मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कमिटमेंट हो या किसी बात पे, कि इनका बिहेवियर कुछ अलग अजीब सा हो गया था और आपने जिस तरह से कॉन्फ्रंट किया था ना, और लिटरली आप जिस तरह से एक तलवार लेके खड़े हो गए थे ना, क्योंकि आपको ना झूठ नहीं बता सर, आपको रिश्ता नहीं चाहिए था तो ठीक है सही, बट जिस तरह से अजीब बिहेव कर रहे हो या फिर इग्नोर कर रहे हो, ये ना आपको जो अजीब सी एक बिहेवियर है ना वो आपको बर्दाश्त नहीं होती, वो चीज़ बहुत ज़्यादा है. और यहाँ पे आप ये जो फोर ऑफ बैंड्स और वो सब चीज़ सब मुझे क्या फील हो रही है, आपको ना खुश रहना पसंद है, आपको लोगों को खुश देखना पसंद है, आप नहीं चाहते ना बेकार में किसी को दुख दे और सब है, बट अपने आप को भी खुश रखना आपको पसंद है. और वही चीज़ आपसे छीनी गई है ना, कि वो जो आपकी अंदर की खुशी है वो चीज़ जब छीनी गई है तो आप जिस तरह से टूटे हो ना, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, क्योंकि आपकी वो चेहरे की वो खुशी छीनी है जो आपकी एक्चुअली एक शान थी या आपकी पहचान थी. आपका नसीब पे, तारों पे, सितारों पे विश्वास करना या स्टार्स बिलीव करना उनको बहुत पसंद है. मतलब बहुत इरिटेट भी होते थे ना कि क्या हमेशा नसीब की बातें करते हो, क्या हमेशा मे बी आप टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी की बातें करते हो या कैसे भी हो, बट समा उनको लगता था कि किसे बात है, लेकिन फिर भी उनको पसंद था कि ये इंसान कितना मतलब एक इनोसेंट है, विश्वासु है, कि विश्वास लाइक मतलब किसी भी चीज़ पर कितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखता है, वो चीज़ पसंद है. देन एक होता है ना, एक मुझे ना वो लाइन याद आई कि तुम गुस्से में बहुत प्यारे लगते हो, तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप गुस्सा मतलब ये बिहेव ऐसा करेंगे, आप गुस्सा करेंगे फिर ये बोलेंगे कि आप तुम गुस्से में बहुत प्यारे लगते हो, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि तुम गुस्से में बहुत प्यारे लगते हो. तो आपको गुस्सा करना भी एक इरिटेटर होता है, लेकिन फिर भी लगता है कि उसमें भी प्यार छुपा होता है, क्योंकि जिस हक से आप गुस्सा करते हो ना, तो उनको लगता है कि ये हक है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हक, क्योंकि वो हक से आप किसी के लिए लड़ते हो, किसी के लिए लड़ते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है. और दूसरा चीज़, आप ना बात करते हो ना बहुत ज़्यादा बात करते हो, मतलब ऐसे ना वो जो शोले का डायलॉग है ना, ये प्यारी नहीं बहुत सारी बातें करती है, तो वो वाली चीज़ आप में हंसा है कि आप ना बात को घुमा घुमा, कभी कभी ना सीधा सीधा बात नहीं करते, कभी कभी बहुत घुमा घुमा के बातें करते हो, या फिर है ना वही चीज़, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी है. और एक्चुअली वो कुछ चीज़ें हैं ना तकलीफ देती है, लेकिन फिर भी वो आपकी केस में ना यूनिक है,
दिस इज योर थिंग, लाइक आपका वो कैरेक्टर है, आपकी वो पर्सनालिटी है और उसमें इनोसेंस है, इसीलिए आप वो पसंद है उन्हें, क्योंकि वो चीज़ों में भले दूसरा कोई बात हो ज़्यादा इरिटेट होंगे या कुछ भी है, लेकिन आप में जो बात है ना वो आप पता है, आप बार बार क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो क्योंकि इनकी तरफ से ऐसा बिहेवियर हुआ है, वो चीज़ है ना, तो वो मतलब उनको पता है कि ये सब क्यों हो रहा है, और इसलिए कह रहा है कि आपका इनोसेंस, आपकी सच्चाई ही आपकी एक असली खूबसूरती है और इसीलिए तो आपके ऊपर फिदा है। और दूसरी चीज़ ऐसा लग रहा है ना कि हो ना हो ये जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं एक बोलते हैं कि भगवान का बच्चा, वो वाली फीलिंग है कि आप ना वो इंसान हो जैसे ना, अगेन मुझे स्टार सीड की एनर्जी है नज़र आ रही है कि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपका ना ऊपर वाले से कनेक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, थोड़ा डरते भी आपसे, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा डरते हैं आपसे, और ये चीज़ें बहुत उनको पसंद है कि आपका ना कनेक्शन ऊपर वाले के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ऐसा नहीं कि आपके साथ हमेशा अच्छा होता है, अच्छा ही होता है इसलिए आपको लगता है कि भगवान हमेशा आपका साथ देता है, नहीं, आपका ऊपर वाले से कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कनेक्शन एक अजीब सा कनेक्ट है आपके और ऊपर वाले में, ये बात वो जानते हैं, और जिस तरह से आप बिलीव करते हो ऊपर वाले के ऊपर और ऊपर वाला आपको भी जिस तरह से मतलब एक कनेक्ट फील करता है, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। यस, दूसरा चीज़ लग रहा ना कि कोई भी चीज़ को ना आप ज़्यादा मतलब अभी ऐसा लगा ना गुस्से में आ गए ना, तो वो चीज़ को एंड करने में आपको मतलब तकलीफ तो होती है, लेकिन आप बिलीव करते हो कि नहीं, जो नहीं ठीक है, जो नहीं सही है, वो नहीं होना चाहिए, फिर आप उसके लिए कितना भी तकलीफ सह सकते, लेकिन मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते आप, झूठ है या आपको नहीं, मतलब एक बार नहीं तो एक बार नहीं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कभी कभी ऐसा है ना कि एक चीज़ उनको बहुत, मुझे सब अचानक से फील हुआ, एक चीज़ उनको बहुत बुरी लगती है कि आप है ना लास्ट मिनट पर चीज़ें छोड़ देते हो, बहुत बहुत मेहनत की किसी चीज़ के लिए, बहुत इतना तकलीफ सही, इतना सब है, एंड लास्ट मिनट पे आपने गिव अप कर दिया हो, बेसिक काइंड ऑफ, तो आपको मतलब यहाँ पे पसंद की बात हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि उन्होंने ये बात जो नोटिस की तो अच्छा नहीं लगा कि आप जैसे इंसान जो इतना पावरफुल है, इतना मैग्नेटिक है और लिटरली ऊपर वाले से इतना कनेक्टेड है, फिर भी आपको अपने ऊपर विश्वास क्यों कम है, विश्वास क्यों कम है, और लास्ट मोमेंट पे आप क्यों गिव अप करते हो, ऐसे जैसे उनको फील होता हो। आपकी बर्थ डेट 4 हो सकती है, 25 हो सकती है, 26 हो सकती है, 17 हो सकती है, एंड 9 हो सकती है, और यहाँ पे अगेन 6 की एनर्जी नज़र आ रही है, तो 1 भी हो सकती है, एंड 12, 4 अगेन, 9 मीन 6, वही नंबर्स हैं, एंड वो हो सकता है, तो यस 16 भी हो सकती है, तो बजट ना मैच हो लेकिन रीडिंग हो सकता मैच हो, तो जो भी है रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, शायद आपकी, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये क्या कितना हद तक सही है, तो लेट्स सी कि आपकी तरफ से क्या मैसेजेस आते हैं कि कितना हद तक ये सही है, क्या वो ऐसा ही कुछ कहते थे या ऐसा कुछ फील करते थे, वो चीज़ बताइएगा जरूर। ओके, तो ये थी रीडिंग छोटी सी, और मुझे आपको जानने में बहुत अच्छा लगता है लिटरली, एंड कहीं ना कहीं अपने लगते हो क्योंकि कुछ हद तक ऐसी है सिचुएशन, बहुत है, बहुत प्यारे, बहुत इनोसेंट, और फिर भी एक कर्मा का मारे हुए है, और आप भी अपनी लाइफ में खुशियाँ अबंडेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बस कुछ वक्त की बात है, वो मिलेगा ही जरूर। तो ये थी रिंग, आई होप आपको गाइडेंस मिली हो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।